ये एक छोटा सा टॉपिक, सॉरी, ये एक छोटा सा टॉपिक है, फंक्शन का टॉपिक है। फंक्शन के टॉपिक के अंदर क्या है, फंक्शन एक ऐसी चीज है कुछ इनपुट लेगी और आप आउटपुट देगी। अच्छा, लैंग्वेज में तो इनपुट आउटपुट कहते हैं, बट मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम कहते हैं जो फंक्शन को वैल्यू देते हैं उसको डोमेन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, डोमेन कहा जाता है। और उस वैल्यू पर जो हमें आंसर मिलता है उसको हम रेंज कहते हैं मैथमेटिक्स में। हम किसी भी फंक्शन को सेट ऑफ एक्स वैल्यूज देते हैं और फंक्शन उसके बिहाफ पे हमें सेट ऑफ वाई वैल्यूज देता है। और फंक्शन एक ऐसी चीज होती है जो रियल नंबर लेती है और रियल नंबर ही हमें आउटपुट। मैथमेटिक्स में हर नंबर रियल नंबर होता है सिवाय वो नंबर जो रूट के अंदर नेगेटिव हो, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, उसकी मैथमेटिक्स ही अलग है। सही है, एग्जाम्पल ये देखो, ये अभी एक फंक्शन गिवन है आपको, ये एक एग्जाम्पल में लिखिए, गिवन दैट आपको क्या दियो, फंक्शन क्या गिवन है आपके 2x³ + 3, ये गिवन है। अब इसके अंदर कह रहे हैं आपको, कह रहे हैं फाइंड, आपने क्या मालूम करना है, f ऑफ 2 निकालना है, f ऑफ 2 पर वैल्यू निकालनी है। तो जहां यानी कि फंक्शन के अंदर क्या वैल्यू पुट होगी, 2 पुट होगी, यानी 2 क्या है, डोमेन है, 2 क्या है, x है, 2 क्या है, इनपुट है, 2 क्या है, एक रियल नंबर है। सही है, तो यानी कि जहां जहां पे x है वहां वहां पे आपने क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, 2 का क्यूब, और ये प्लस 3 हो जाएगा। सही है, 2 का क्यूब क्या होगा, 8, 8 2 16, 16 + 3 19, 19 इज योर रेंज, 19 यानी आपने फंक्शन में 2 पुट किया और 2 पुट करने पर आपके आंसर क्या आया, 19 आया। सही है, एक तो ये मैनिपुलेशन आपके कोर्स में, इस तरह की मैनिपुलेशन आपके कोर्स में, नंबर 1 ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। बात दूसरी बात क्या है, दूसरी बात आप समझिएगा, दूसरी बात क्या है कि किसी भी फंक्शन का एक होता है उसका इनवर्स फंक्शन, इट इज डिनोटेड बाय x^-1, x^f^-1। तो देखिए नॉर्मल फंक्शन की जो डोमेन होती है ना, नॉर्मल फंक्शन का जो वैल्यू देते हैं वो सेट ऑफ x वैल्यूज देते हैं, और फंक्शन आपको कैलकुलेट करता है सेट ऑफ y वैल्यूज, यानी इसको आप लिखते हैं y = f(x) लिखते हैं, y = f(x), यानी x पुट करेंगे तो y आएगा, x इज अ डोमेन, y इज अ रेंज। जबकि किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन क्या होता है, सेट ऑफ y वैल्यूज आर डोमेन, सेट ऑफ y वैल्यूज डोमेन होगी, सेट ऑफ x वैल्यूज आर रेंज होगी। सेट ऑफ x वैल्यूज क्या होंगी, रेंज होगी, ये आपकी डोमेन होगी, ये आपकी क्या होगी, डोमेन होगी, सेट ऑफ y वैल्यूज आपकी क्या होंगी, डोमेन होगी, और ये सेट ऑफ x वैल्यूज क्या होंगी, रेंज होगी। सही है, ओके, ये क्या होता है आपके x = f(inverse y) होता है, f(inverse) क्या होता है, y के बराबर होता है, इसमें ये ध्यान में रखिएगा बात। अब किसी भी फंक्शन का, मैं कुछ फंक्शन लिख रहा हूं, उस फंक्शन के इनवर्स किस तरह से निकाले जाते हैं, तो पहले तो इनवर्स निकालना सीखते हैं, फिर उस पर वैल्यू निकालना सीखते हैं, और फिर और बातें करते हैं। यानी इधर हमने इस डायग्राम से हमने ये बात सीखी है कि जो नॉर्मल फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स की रेंज है, वो जो इनवर्स की रेंज है वो नॉर्मल की क्या है, डोमेन है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। सही है, बेसिक में बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक, बिल्कुल IGCSE में 4 to 5 marks का टॉपिक है, CIE में 2 marks का टॉपिक है, मैक्सिमम 3 marks का टॉपिक है, फंक्शन एक छोटा सा टॉपिक है, बट ये आगे और भी आप कह रहे हैं होता है। इसके अंदर अगर आप देखें कि हमारे पास क्या आ गया, y = f(inverse) आपके हो गया ये फंक्शन, तो हमने इधर क्या किया, इसमें सेट डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ y वैल्यूज होती है, और रेंज क्या होती है, सेट ऑफ x वैल्यूज होती है। अभी हमारे पास हम ये इसकी डोमेन रेंज को डिस्कस नहीं कर रहे, डोमेन रेंज को भी डिस्कस करने वाले क्वेश्चन में करवाऊंगा, अभी आते हैं और मैं आपको उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बट मुझे क्या है, मुझे फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन है x/2x + 3, ये एक फंक्शन है, और मुझे ये गिवन, ये दे दिया गया है, ये गिवन दैट, ये मुझे क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है, और मुझे क्या कहता है, फाइंड, आपने क्या मालूम करना है, फाइंड इनवर्स, यानी किस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकालना है। यानी कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन हम किस तरह से निकालते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन किस तरह से निकालते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये चीज ध्यान में रखिए, f(x) क्या होता है, आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए f(x) किसके बराबर है, y के बराबर है, f(x) किसके बराबर है, y के, तो f(x) की जगह आप y लिख दीजिए, विदाउट हेजिटेशन आपने y लिख दिए आपने, क्योंकि आपको पता है f(x) किसके बराबर है, y के बराबर है। अब देखिए, अब y जब आपने लिख दिया तो क्या आपको इस इक्वेशन के अंदर क्या नजर आ रहा है, y इज अ सब्जेक्ट, y सब्जेक्ट है। अब इस इक्वेशन को आपने इस तरह से मैनिपुलेट करना है, आपने x को सब्जेक्ट बनाना है, क्या करना है, x को सब्जेक्ट बनाना, तो दैट मीन जब x सब्जेक्ट बन जाएगा तो फंक्शन इन द टर्म ऑफ y आ जाएगा। कैसे, क्या मतलब, मेरे कहने का मतलब है, तो 2x + 3 डिवाइड हो रहा है, यहां पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये x हो जाएगा, और ये आपका 2xy हो जाएगा, और +3y = x हो जाएगा, और ये आपके इसका दिया 3y आ जाएगा, और ये x - 2xy आपका हो गया, x - 2xy आपका आ गया, ये उधर जाके मल्टीप्लाई प्लस और उधर जाके माइनस हो जाएगा, ओके सॉरी, हाँ सही है, बिल्कुल बिल्कुल, तो एक तरफ कर ले, तो उस x को इधर ले आते हैं, मैंने गलती कर दी, इस x को इधर ले आते हैं, 2x, x को सभी बनाने, तो इस x को इधर ले आए, और इस y को इधर ले, -3y।
अच्छा इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो आपके इसके बचे टू टू y माइनस वन बच गया और ये माइनस थ्री एक्स बच गया। अगर मैं और थोड़ी सी चलाकी करूं तो मैं माइनस भी कॉमन निकालू, माइनस क्यों कॉमन निकाल रहा हूं, माइनस कॉमन निकालू तो ये टू जो प्लस का था माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का वन है ये प्लस का वन हो जाएगा। उसका एडवांटेज ये होगा इस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, सही है क्लियर, क्योंकि ये अब आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई अपॉन वन माइनस टू वाई आ जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर में माइनस नहीं होगा वो, उससे थोड़ा सा मैंने अच्छा उसको प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अच्छी कर ली मैंने, मैं वैसे भी छोड़ सकता था। अब देखिए मेरा x सब्जेक्ट बन चुका है, अब x सब्जेक्ट बन चुका है तो 3y और x होता किसके बराबर 2y, यानी जब आपने x को सब्जेक्ट बना देते हैं तो बेसिकली x होता क्या, x इज इक्वल टू f ऑफ इनवर्स y होता है, मैंने अभी अभी आपको ऊपर बताया x किसके बराबर होता है, f ऑफ इनवर्स y के बराबर होता है, ये इनवर्स फंक्शन में मैंने आपको ऊपर बताया x इज इक्वल यानी रेंज इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आप कह सके रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन रेंज ऑफ इनवर्स वाई होगा तो थ्री वाई अपॉन वन माइनस टू वाई अब ये पूरा क्वेश्चन इसमें आ गया वाई में आ गया अब आप रिप्लेस कर देंगे क्या कर देंगे रिप्लेस कर देंगे रिप्लेस वाई बाय एक्स वाई को किससे रिप्लेस कर देंगे एक्स से रिप्लेस करेंगे तो f ऑफ इनवर्स x जहां जहां y वहां x लिख देंगे 3x 1 माइनस 2x, तो ये इस फंक्शन का क्या आ जाएगा, इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है इधर तक तो मुझे बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है इधर तक इनवर्स फंक्शन का, ये इनवर्स फंक्शन आ गया। तो मेरे पास एक क्वेश्चन था, मैंने उस क्वेश्चन का क्या कर दिया, इनवर्स फंक्शन निकाल दिया, क्लियर, ये मैंने कर दिया इनवर्स फंक्शन निकाल, किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकालना आ गया कि नहीं आ गया आपको, आप लोगों को सही है, ये एक मैंने थोड़ा एकदम बड़ा क्वेश्चन दे दिया, अच्छा क्वेश्चन दे दिया। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसी तरह का, एक सेकंड क्वेश्चन है, गिवन दैट आपको क्या दिया हुआ है, गिवन दैट आपको f of x is equal to 3x plus 1 ये गिवन है, फाइंड आपको क्या कह रहा है, फाइंड इनवर्स निकालना है, चले ये आसान क्वेश्चन है। अब आपको पता है f of x किसके बराबर है, y, तो y is equal to 3x plus 1, अब आप किसका मतलब है, आपने x को सब्जेक्ट बनाना है, तो आप इधर साइड पे लिख लीजिए f of x is equal to y के बराबर है, ये आपको पता है। अब आपने 1 उधर प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा 3x, अब 3 ये पूरी पूरी साइड शफल करते हैं तब साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अब 3 यहां पे मल्टीप्लाई करो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो y माइनस 1 अपॉन 3, और बेटा ये x किसके बराबर होता है, x इज इक्वल टू f ऑफ इनवर्स y के बराबर होता है, x किसके बराबर होता है, f ऑफ इनवर्स y के बराबर होता है, y माइनस वन अपॉन थ्री, तो x किसके बराबर हुआ, x बराबर हुआ f ऑफ इनवर्स y, आप कैसे x बराबर, ओके सॉरी हाँ कर दिया, x इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा x इज इक्वल टू f ऑफ इनवर्स y के बराबर, सही, क्योंकि ये चीज मुझे मालूम है। अब क्या करते हो, जहां जहां x है वहां, जहां जहां y है वहां x लिख दूंगा, तो रिप्लेस y बाय x, y को x से रिप्लेस कर दूंगा, x माइनस वन अपॉन थ्री, दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, सही, इनवर्स फंक्शन इस तरह से निकाला जाता है। अब बेटा अब वन बाय वन क्वेश्चंस करते हैं हम, इसके जो फंक्शंस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हम क्वेश्चंस करते हैं, सही है, और अच्छे क्वेश्चन, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पास पेपर क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है, सही है, और जो हमें बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन क्या है, अच्छा यही चीज है इसके अंदर, और एक और खास चीज है वो क्वेश्चन में आएगी तो उस वक्त एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए फंक्शन गिवन है एफ एक्स गिवन है 3x² + x, ये आप कैसे गिवन है, आपको पहले पार्ट में कह रहे हैं फाइंड f ऑफ 2 निकाल, तो जहां जहां x है वहां 2 पुट कर देंगे, 3 × 2² + 2 × 4 = 12 + 2 = 14 आ जाएगा, तो f ऑफ 2 पर यानी 2 पुट करने पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 14, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इन पार्ट बी तो जहां जहां x है वहां -1 पुट कर दें, तो 3 × -1² - 1, तो आपके 3 - 1 इट इज 2, तो -1 पुट करने पर आपके इसके आ रहा है 2 आ रहा है, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। सी पार्ट, सी पार्ट देंगे एफ ऑफ ए प्लस वन, तो जहां जहां पे x है वहां a पुट कर दें, तो 3 a + 1 और आपका स्क्वायर + a + 1,
और इसको फार्म से खोलना चाहें, प्लस बी होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस वन और प्लस ए ब्रैकेट क्लोज प्लस ए प्लस वन, और इसको थ्री को मल्टीप्लाई करना है, थ्री ए स्क्वायर प्लस सिक्स ए प्लस थ्री प्लस ए प्लस वन. तो योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आपके सेवन ए प्लस फोर, ये आपका एफ ऑफ ए प्लस वन आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का. सही बेटा, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको. अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसके बिल्कुल इसी क्वेश्चन आते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन है. अब इसके अंदर आपके पास आपको क्या दे रहे हैं, इसके अंदर दे रहे हैं आपको एच ऑफ एक्स फंक्शन दे रहा है, कहते हैं के की वैल्यू मारूंगा, एच ऑफ के इज इक्वल टू माइनस वन, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव माइनस टू एक्स स्क्वायर. तो जहां जहां पे एच है वहां वहां पे के पुट कर देना है, फाइव माइनस टू के स्क्वायर, सही है. और इसकी जगह एच ऑफ के की जगह आपके पुट कर देंगे माइनस थ्री पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे माइनस थ्री. तो फाइव माइनस टू के स्क्वायर क्या आ जाएगा, फाइव माइनस टू, आपको के की वैल्यू मालूम करनी है. और आपको देखिए दो चीजें गिवन है, एक एच ऑफ एक्स गिवन है और एच ऑफ एक्स किसके बराबर है माइनस थ्री, तो एच ऑफ एक्स की जगह आपने माइनस थ्री पुट कर देंगे. और आपने के की वैल्यू फाइंड, आपने क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, के फाइंड करना है. तो दो चीजें गिवन है, एक एच ऑफ एक्स गिवन है और एक आपका एच ऑफ के इज इक्वल टू आपके माइनस वन गिवन है. तो जहां जहां एक्स था वहां आपने के पुट कर दिया और एच ऑफ एक्स जगह थ्री पुट कर दिया, और ये टू एक्स यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, थ्री इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो गया, थ्री प्लस ये टू के स्क्वायर इज इक्वल टू एट, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, और के दोनों तरफ स्क्वायर खत्म करने है, दोनों तरफ रूट लगा दीजिए, और रूट हटता है तो दूसरी राइट हैंड साइड पे क्या आता है प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस टू आ जाएगा, ये आपकी के की पॉसिबल वैल्यूज आ जाएगी. ये क्वेश्चन टू आपका हो गया. सही है बेटा, इधर तक समझ में आया क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन हो गया आपका. जी सर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर कह रहे हैं एक फंक्शन दे रहे हैं, कहते हैं जीरो पर वैल्यू निकालो, वो तो बड़ा आसान बनवा इसको. दूसरे पार्ट में कह रहे हैं उसका इनवर्स फंक्शन निकालो. अब इन पार्ट ए, पार्ट ए तो बहुत ही आसान है, फंक्शन है आपके पास, फंक्शन इज टू अपॉन एक्स प्लस वन, ये फंक्शन है. तो एक्स के अंदर जहां जहां एक्स है वहां जीरो पुट कर दें, तो टू प्लस जीरो प्लस वन इट इज टू आ जाएगा. सही है, तो f ऑफ जीरो पर आपका आंसर क्या आ गया, टू आंसर आ जाएगा, ये आपका पहला आंसर आ गया. सही है, इन पार्ट डी आपको इनवर्स चाहिए, f ऑफ x इज इक्वल टू टू अपॉन x प्लस वन है, f ऑफ x इसके बराबर था y. अब आपने किसको सब्जेक्ट बनाना है, आपने x को सब्जेक्ट बनाना है. तो आप इधर लिखे y इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी f ऑफ x आपने y प्लेस कर दिया, यहाँ x प्लस वन और ये y इज इक्वल टू टू हो जाएगा, और यहां पर एक्स वाई प्लस y इज इक्वल टू x को सब्जेक्ट बना दिया, एक्स वाई ऐसे रहे और ये 2 माइनस वाई हो जाएगा, और y इधर मल्टीप्लाई करो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू टू माइनस वाई अपॉन y हो जाएगा y, और x किसके बराबर है, x बराबर है f ऑफ इनवर्स y के बराबर है, तो 2 माइनस वाई अपॉन y हो जाएगा. अब इधर लिख भी लीजिए x इज इक्वल टू f ऑफ इनवर्स y होता है x, तो अब आप क्या करेंगे रिप्लेस y by y की जगह x लिख दीजिए, जहां जहां y वहां x लिख दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, ये इनवर्स फंक्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस टू एक्स अपॉन एक्स, ये आपका उस फंक्शन का क्या आ जाएगा इनवर्स फंक्शन आ जाएगा, ये आपका क्वेश्चन हो गया. क्लियर है बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन नंबर थ्री. जी सर. जी सर. ओके ओके नो प्रॉब्लम. इनवर्स वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देख बहुत. अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में ए पार्ट में आपके पास क्या करें, अच्छा ये इसमें ऐसे बुक्स करने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट पास पेपर करेंगे, इस जैसे क्वेश्चन सारे ये पास पेपर क्वेश्चन है. तो जहां एक्स है वहां फोर पुट कर दीजिए, वैल्यू निकालनी है फोर का स्क्वायर माइनस फोर, तो सिक्सटीन माइनस फोर इट इज ट्वेल्व, तो फोर पुट करने पर आपके पास क्या आ रहा है ट्वेल्व आ रहा है, ये आपका आंसर आ गया. बी पार्ट के अंदर क्या कह रहे हैं इनवर्स ऑफ सिक्स, ये कैसे करूंगा मैं, ये क्वेश्चन कैसे करूंगा, मुझे कोई बताएगा, क्योंकि इनवर्स सिक्स पर वैल्यू निकालनी है. अब देखिए बात ये है कि एक तो ये तरीका है कि मैं इनवर्स फंक्शन निकालूं और फिर उसमें वैल्यू सिक्स पुट करूं और मेरे पास आंसर आए, क्योंकि मेरे पास तो जी फंक्शन है, जी इनवर्स फंक्शन तो नहीं है. बट ये क्वेश्चन देखो इनवर्स निकालने के ना, इनवर्स निकालने सिर्फ इनवर्स निकाल किसी भी फंक्शन के इनवर्स निकालने के थ्री मार्क्स होते हैं पेपर में, आप आईजीएसई में फोर मार्क्स होते हैं.
और ये क्वेश्चन है इनवर्स निकाले बगैर आप किस तरह वैल्यू निकालोगे, मैक्सिमम 2 मार्क्स क्वेश्चन है, सही है। आपको इनवर्स निकालने को नहीं कह रहा, आपको इनवर्स पे 6 पर वैल्यू निकाल के दे। अब विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स, विदाउट, एक तो ये तरीका हमें इनवर्स निकालने को अगर कहता तो हम पहले इनवर्स निकाल लेते और फिर जहां जहां इनवर्स में एक्स होता वहां 6 पुट करके वैल्यू निकाल लेते, इनवर्स ऑफ 6 पर वैल्यू निकाल लेते। वो तो चलो बात समझ में आ रही थी कि एक पार्ट में इनवर्स कह रहे हैं, दूसरे पार्ट में कह रहे हैं इनवर्स ऑफ 6 पर निकाल दो। यहां पर आपको इनवर्स निकालने को नहीं कह रहा, आपको इनवर्स ऑफ 6 पर वैल्यू निकाल दो। तो यहां पर आप कॉन्सेप्ट यूज करें, कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन करेंगे कि नॉर्मल फंक्शन की जो डोमेन होती है वो इनवर्स की रेंज होती है, और जो नॉर्मल फंक्शन की रेंज होती है वो इनवर्स की डोमेन होती है, यानी इनवर्स की डोमेन इस 6 है। तो इनवर्स की डोमेन आपके पास क्या है, डोमेन ऑफ इनवर्स, आप लिखें डोमेन, लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, डोमेन ऑफ जी ऑफ इनवर्स क्या है, 6 है। तो आप इसका मतलब यह है कि आपने ये, इसका मतलब है g of x is equal to 6, इसका मतलब क्या है, g of x is equal to 6, इस sentence का मतलब domain of inverse is 6, तो आपने g of x की जगह 6 put कर देंगे, तो 6 is equal to x square minus x, तो ये क्या है, x square minus x minus 6 is equal to 0। अब ये quadratic बन गई, इसको solve करेंगे, जो x की value आएंगे वो inverse of 6 पर value आ जाएंगी, क्या 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 मतलब है, x square minus 3x plus 2x minus 6 is equal to 0, तो x माइनस 3 ये आ गया और प्लस 2 कॉमन आया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बेटा, ये हो गया। ये आपका क्या, x प्लस 3, सॉरी x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 आपका कॉमन आया और यहां पर x प्लस 2, अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इफ आपका क्या, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो बेटा x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी और x की वैल्यू 2 आ जाएगी, x तो नहीं निकाल, तो इसका मतलब यह है कि इसके g ऑफ इनवर्स 6 पर आपके आंसर क्या आ रहे हैं, 3 भी आ रहे हैं एंड 3 एंड माइनस 2 आ रहे हैं, दीज टू वैल्यूज आर योर आंसर, पॉसिबल वैल्यूज आंसर है, सही। इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से हैंडल करना, सही है, विदाउट फाइंडिंग इनवर्स, इनवर्स फाउंड किए बगैर हम किस तरह से वैल्यू निकालेंगे, ये वो क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पहले इनवर्स निकालते हैं और फिर उसका, अब इस क्वाड्रेटिक का इनवर्स निकालना भी बहुत आसान है क्वाड्रेटिक फंक्शन का, सही है, तो उधर ही बच्चा फंस जाएगा। अब देखें इस क्वेश्चन में, देखें इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, ये बात इनवर्स निकाले, एक फंक्शन का नाम क्या है, के ऑफ एक्स नाम है, फंक्शन का नाम क्या है, के ऑफ एक्स, एक फंक्शन का नाम है, ये फंक्शन का नेम है, एफ ऑफ एक्स भी हो सकता है, के ऑफ एक्स, यू एक्स भी हो सकता है, पी ऑफ एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और एक कंडीशन दे रहा है, कह रहा है माइनस 2 नहीं होगा क्योंकि वो एक कंडीशन है, सर्टन कंडीशन। अब आप क्या करेंगे, आपने k of x की जगह y लिख दीजिए, y is equal to x plus 1 upon x plus 2। अच्छा इधर क्या find, आपने क्या मालूम करना है, find k of inverse function निकालना है, k of x का inverse function। अब आपको पता है, आपको पता है y किसके बराबर है, k of x के बराबर है, y किसके बराबर है, k of x। अब आपने इसको इस तरह से manipulate करना है, इस equation को आपने subject बनाना है किसको, x को, तो y multiply by x plus 2 और ये क्या देगा, x plus 1, तो ये x y plus 2 y is equal to x plus 1, और x वालों के एक से, तो ये आपके इसका x y minus x और ये आपका 1 minus 2 y हो जाएगा, 1 minus 2 y, इसमें से x common आ जाएगा y minus 1 और ये 1 minus 2 y आपका हो गया। अब ये y minus, देखिए आप, मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने जब y subject हो जाएगा तो उसको इस तरह से manipulate करना है कि x को subject बनाना है, जब x subject बनेगा तो पूरी equation y में आ जाएगी और y की जगह x replace कर दूंगा तो function inverse आ जाएगा। देखिए यहां पर ये मल्टीप्लाई करो, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 1 माइनस 2 y अपॉन y माइनस 1। अब आपने कहना है x किसके बराबर है, अब इधर रीजन भी दे रही, x इज इक्वल टू k इनवर्स ऑफ y के बराबर है, आपने इधर लिखना है f of x नहीं, f of y इनवर्स नहीं लिखना है, k क्यों, फंक्शन k में, तो k ये आपके पास आ गया और y माइनस 1। अब आपने रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस y by, y को किससे, y by x से रिप्लेस करते हैं, जहां जहां y वहां आपने क्या लिख देना, x लिख देना, तो k of inverse x is equal to 1 minus 2x upon x minus 1, ये बेटा आपका इनवर्स फंक्शन आ जाएगा, सही है बेटा, ये आपका इनवर्स फंक्शन आ जाएगा, सही है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्लियर है, समझ में आया ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों को, जी सर, ओके डन। अब देखिए बेटा ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन सामने में डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन होमवर्क है,
एक तो ये क्वेश्चन होमवर्क है, ये सारे आपने करने हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इनको मैं बड़ा कर देता हूँ, ये लाजमी करके मुझे देने हैं, सही है, ये होमवर्क। इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आप ना कर सकते हो, तो मैं इधर ऑल क्वेश्चन को होमवर्क करता हूँ, फिर अगली बार शीट पे आता हूँ। इसी अभी अभी ये टॉपिक चल रहा है, इसके मैंने काफी सारे क्वेश्चन करवाने, क्योंकि अब एक जैसे क्वेश्चन है तो बार बार वो क्वेश्चन करवाने की वो नहीं हो आपके से, जो डिफरेंट क्वेश्चन है उनको जरा थोड़ा सा फर्स्ट प्रायोरिटी पे कर लेते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जरा डिफरेंट है, 11 को पहले कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है, अच्छा भाई ये इसको छोटा करें, अच्छा चलो एक मिनट जी, मुझे ये मेरे पास आ गया। ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन क्या है, पास्ट का क्वेश्चन 97 जून का क्वेश्चन, पेपर 2 का क्वेश्चन है, सही है। फंक्शन गिवन है फंक्शन पे, और दो फंक्शन है, एक f(x) फंक्शन गिवन है, एक g(x) फंक्शन गिवन है। पहले तो f(x) का -5 पे निकालना है, फिर f(x) का इनवर्स निकालना है, फिर इनवर्स में 15 डालना है, फिर g(x) को 0 पुट करके x की वैल्यू निकालनी है, फिर f(x) को g(x) के बराबर रख के x की वैल्यू निकालनी। सेम कॉपी है ये क्वेश्चन आईजीसी में, बिल्कुल इसी तरह के इतना बड़ा क्वेश्चन आता है, सीआई में तो बहुत कम आते हैं इतना बड़ा, यानी मैक्सिमम 3, बहुत कभी कभी 4-5 मार्क्स का दे देगा, कभी कभी वो भी 20 पेपर में कोई एक पेपर में, बट आईजीएसई में इतना बड़ा ही क्वेश्चन होता है 5-6 मार्क्स का आपका ये टॉपिक है, सही। अब इन फर्स्ट पार्ट के अंदर आप क्यों कह रहे हैं, फाइंड आपने क्या मालूम करना है, फाइंड एफ ऑफ -5, तो 1 मार्क्स का ये पार्ट है, तो जहां जहां पे x है वहां आपने -5 फंक्शन में पुट कर दिया, तो फंक्शन में x 2 into -5 -7, इट इज -10 -7 और योर आंसर इज -17। एफ ऑफ -5 का आंसर क्या आएगा, 17 आ जाएगा, -17। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब बी पार्ट के अंदर बेटा क्या कह रहा है, बी पार्ट के अंदर आपको इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है, सही है। तो f(x) क्या है बेटा, आपके f(x) 2x -7 है, तो f(x) क्या होता है, y होता है, y is equal to 2x -7, और रीजन भी लिखे y is equal to f(x), ये लिखे हैं लाजमी रीजन के। अब x को सब्जेक्ट बना लो, y plus 7 is equal to 2x, अब पूरी साइड शफल करेंगे तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइन पे, और ये 2 मल्टीप्लाई करो तो जाके डिवाइड हो जाएगा, y plus 7 upon 2। अब x किसके बराबर होता है, f of inverse, क्योंकि f नाम है, तो f of inverse y के बराबर होता है, तो f plus 7 upon 2, तो आप क्या कह रहे, x is equal to f of inverse y होगा। अब replace कर दूंगा, अब मैं क्या कर दूंगा, replace y by x, y को x से replace कर दूंगा, तो -1x, और ये मेरे पास इनवर्स फंक्शन आ जाएगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। अगर हम रिप्लेस नहीं करेंगे तो हमारे मार्क्स कटेंगे जी बेटा, अगर हम रिप्लेस नहीं करेंगे y और x को तो हमारे मार्क्स कटेंगे, मैं समझा नहीं, रिप्लेस नहीं करने का मतलब ये, यानी कि साथ में ये कंडीशन नहीं लिखेंगे, ये कहना चाह रहे हो? नहीं सर, ये जो आपने आफ्टर f इनवर्स y इक्वल्स टू y प्लस 7 डिवाइड बाय 2 लिखा है ना, फिर आपने लिखा है रिप्लेस y बाय x, अगर आप ये रिप्लेस y बाय x नहीं करेंगे तो हमारे मार्क्स कटेंगे। देखो बात, सब पहले बात समझो, क्वेश्चन किसमें, फंक्शन किसमें, फंक्शन का इन्वॉल्विंग वेरिएबल कौन है, x, x, तो आंसर भी x में ही आएगा, इनवर्स फंक्शन का जो आपका फंक्शन निकलेगा वो y में नहीं निकलेगा, वो x में ही निकलेगा, उसी वेरिएबल में निकलेगा, तो रिप्लेस करना मास्टर, सही है। जब आप x को सब्जेक्ट बना दोगे ना, तो x तो होता है f of inverse y, तो पूरा फंक्शन y में हो जाता है, y को फिर x से रिप्लेस कर देते हो तो इनवर्स आ जाता है, यानी सारी बात है, किसी भी फंक्शन के इनवर्स निकाल रहे हो तो इनवर्स भी उसी वेरिएबल में इन्वॉल्व करेगा ना, इनवर्स भी उसी वेरिएबल के अंदर इन्वॉल्व करेगा, तो यही तो चीज है, यही स्टेप्स है इनवर्स निकालने के, ये स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूं, बस नथिंग है, कोई नई बात नहीं, ये बी का पहला पार्ट है, आप उधर वाई भी नहीं छोड़ सकते। हाँ कुछ बच्चे कहें, आप ये कहें सर मैं ये करने के बाद ये चीज ना लिखूं, ये जो मैं बॉक्स में ये ना करूं, मैं डायरेक्ट लिख दूं f इनवर्स y और y की जगह x लिखूं, कर सकते हैं, करते हैं बच्चे इस तरह से, ये दो स्टेप जो मैंने सर्कल किए, ये बच्चे लोग नहीं लिखते और वो कंडीशन भी नहीं लिखते, आंसर और एग्जामिनर फुल मार्क्स देता है, और देता है ओ लेवल के अंदर, ओ लेवल में मार्क्स आ जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ओ लेवल मैथमेटिक्स के अंदर बहुत आप फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, सही है, ए लेवल में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है।
आप बीच के ये दो स्टेप छोड़ भी दें आपको नंबर पूरे मिलेगा। आखिर में अगर आपने लिख दे x की जगह आप इनवर्स x लिख दे और राइट साइड पर y की जगह आप x लिख दे x plus 7 जब x सब्जेक्ट बन जाए, सही है। बट मैं प्रॉपर अंदाज में करवा रहा हूं तो मैं चाह रहा हूं कि आप भी प्रॉपर अंदाज में करें, सही है। इसी का बी का सेकंड पार्ट देखें। बी के सेकंड पार्ट के अंदर आपने क्या कह रहा है, आपको कह रहा है फाइंड, आपने क्या मालूम करना है, इनवर्स ऑफ 15 निकालना है। इनवर्स ऑफ क्या निकालना है, 15 आपने फाइंड करना है। ये कौन लिख रहा है भाई, देखो सही है। इनवर्स, अब इनवर्स फंक्शन ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं, अब इनवर्स फंक्शन निकाल चुका हूं तो मैं क्या करूंगा, इनवर्स पे इनवर्स फंक्शन ये मेरे पास x plus 7 upon 2, तो जहां जहां x है वहां 15 पुट कर दूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, f ये लाइन हटा दो 15 और 15 plus 7 upon 2, क्योंकि अब इसमें वो लॉजिक नहीं यूज करूंगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैं इनवर्स फंक्शन निकाल चुका हूं, इसमें ऑलरेडी मैं इनवर्स फंक्शन क्या कर चुका हूं, फाइंड कर, इट इज 22 upon 2 means 22.2 means 11, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, f of inverse वो वाली यानी इनवर्स डोमेन वाली लॉजिक नहीं यूज करूं जो प्रीवियस क्वेश्चन में लॉजिक थी विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स वैल्यू निकालना, क्योंकि इसमें पिछले पार्ट के अंदर मैं इनवर्स निकाल चुका, उसी इनवर्स में जहां जाए x है वहां 15 पुट करके मैं वैल्यू निकाल लूंगा, तो ये तो बड़ा आसान हो गया हमारा ये वाला पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसी क्वेश्चन का सी पार्ट पे आते हैं, सही यही क्वेश्चन है हमारा। अब इसी का सी पार्ट देखिए बेटा, सी पार्ट में आपको कह रहे हैं इन पार्ट सी फाइंड एक्स निकालिए, क्या कह रहे हैं फाइंड एक्स निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच इन पार्ट फर्स्ट द जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस सिक्स, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर इज इक्वल टू जीरो मीन्स द बोथ फैक्टर्स इज इक्वल टू जीरो, तो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड देन एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सेकंड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिक्स, दीज टू वैल्यूज आर योर आंसर्स, ये दो वैल्यूज आपके आंसर आ गए, ये सी का पहला पार्ट हो गया। अब सी का सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड इसमें भी क्या है एक्स निकालें, फाइंड एक्स देखिए बेटा इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सी पार्ट के अंदर क्या कह रहे हैं, सी पार्ट के अंदर कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालें, क्या करें एक्स की वैल्यू निकालें बेटा, और आपको क्या गिवन कर रहा है, आपको कह रहा है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो जी ऑफ एक्स ऊपर मेरे मुझे क्या गिवन है एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स, तो जी ऑफ एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस सिक्स, अब इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, तो आपने एक्स को भी जीरो के बराबर ले लिया और एक्स माइनस सिक्स को भी आपने जीरो के बराबर ले लिया, जब दोनों को जीरो के बराबर ले लिया तो एक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी और एक्स सिक्स आ जाएगी, ये आंसर आ जाएंगे, सही है। अब सेकेंड पार्ट के अंदर क्या कह रहे हैं, x निकाले और f g के बराबर है, यानी ये दोनों फंक्शन आपस में इक्वल है, तो x f of x के बराबर 2x minus 7 के बराबर है और g of x के बराबर x multiply by x minus 6 के बराबर, तो 2x minus 7 is equal to x square minus 6x आ जाएगा, सबको इक्वल किस तरफ ले हैं x square minus 6x minus 2x plus 7, तो 0 is equal to x square minus 8x plus 7, अब ये quadratic equation बन गई और पूरी साइड को शफल करूंगा तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता साइन पे, सही ये बात आपको अल्जेब्रिकल रूल पता है। अब फैक्टर कर 8 वन से 8 कर दो, 7 वन से 7 फैक्टर कर दो, तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग टेक्निक से करूंगा ना, मिडिल टर्म ब्रेकिंग फैक्टर आने चाहिए बनाना आपको, तो आपके इसके माइनस 7 आ जाएगा, प्लस माइनस करने से माइनस 8 आ रहा है, तो पहली दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है एक्स वाई, एक्स माइनस 7 आपका बचा और इसमें से माइनस 1 कॉमन आया एक्स माइनस 7 टू 0, तो एक्स माइनस 7 और एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अब इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है जीरो के बराबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है जीरो, एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 7 ये आ जाएगा एंड देन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 ये आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आपके सॉल्यूशन सेट्स क्या आ जाएंगे, इस क्वेश्चन के आंसर्स जिसको हम सॉल्यूशन सेट 7 और 1 आर योर आंसर्स, सही है बेटा ये आंसर्स आते हैं, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन, जी बेटा जी ओके करवा दी है, ये देखिए सारे पार्ट करने हैं, 12 करना है, 13 करना है, बिल्कुल किसी में इनवर्स निकालना है, किसी में वैल्यू पर निकालनी है, तो ये सारे काम आपने खुद करने हैं बेटा, क्वेश्चन को और बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा भी हो जाएगी, ऑल क्वेश्चन होगा के सारे पास पेपर क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि ये टॉपिक ग्रिप में आ जाए आपके, सही है, एक मिनट जरूर मुझे देंगे और कहाँ पे एक मिनट इसको
एक मिनट पिक्चर में से दोबारा ओपन कर लूं इसको। ओके लास्ट टू पार्ट भी देख लीजिए, लास्ट टू पार्ट भी बहुत आसान है, वो भी डिस्प्ले कर देते हैं, एक पार्ट में करवा देना आपको समझ में आ जाएगा। ओके इनवर्स निकालना मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, सब चीजें बता चुका हूँ। सही बेटा, अब ये क्वेश्चन है, ये सैम 21 होमवर्क है, प्रीवियस होमवर्क है, लास्ट 22 करवा देता हूँ, बड़ा आसान वाला क्वेश्चन मैं खुद करवा देता हूँ, 2001 का क्वेश्चन है, सही है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर f(x) इस तरीके लिखा हुआ, आप दूसरी तरह f(x) इज इक्वल टू, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2x - 3/5। तो पार्ट ए के अंदर कह रहा है फाइंड, आपने क्या मालूम करना है f(4) निकालना। तो जहां जहां एक्स हम आप 4 पुट करते हैं, 4 इज इक्वल टू 2 × 4 - 3/5, तो 8 - 3/5 दैट मींस 5/5, और ये आपके इसके आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये आपके इसके आ जाएगा 1, तो f(4) इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ये पहला पार्ट समझ में आया, सिंपल पहला पार्ट था आपने बताया। सेकेंड पार्ट के अंदर क्या है, बी पार्ट के अंदर कह रहा है फाइंड इनवर्स, आपने क्या निकालना है, इनवर्स फंक्शन निकालना है। तो इनवर्स फंक्शन में f(x) क्या है आपके पास, f(x) है 2x - 3/5। अब y के f(x) किस बराबर, y के बराबर, y इज इक्वल टू 2x - 3/5। अब आपने 5 के अंदर डिवाइड हो जाकर मल्टीप्लाई, 5y इज इक्वल टू 2x - 3, तो 5y + 3 = 2x, the 2x is equal to 5y + 3। अच्छा ये तो लिख लीजिएगा f(x) इसके बराबर है, the f(x) is y is equal to f(x), ये लिख दीजिएगा, reference clause में दीजिएगा, x is equal to 5y + 3/2। अब x की जगह क्या लिख देंगे, f(inverse y) लिख दिया, और 5y + 3/2 replace, ये वर्ड लिखना जरूरी नहीं होता, रिप्लेस y by x, ये लिखना जरूरी होता है, x किसके बराबर है, x is equal to f(inverse y). कुछ लोग ये भी नहीं लिखते, कोई फर्क नहीं पड़ता, दे देते हैं नंबर आप लोगों को, x is equal to 5x + 3, इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती होगा, सही है, ये बेटा इनवर्स आ गया, सही है। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, ये इनवर्स निकालना सिखाया मैंने आपको, मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन निकाले फंक्शंस के, सही बेटा। अभी मैं आप लोगों को 5 मिनट बाद दोबारा आईडी सेंड करता हूँ बेटा, 5 मिनट आफ्टर 5 मिनट दोबारा आईडी सेंड करता हूँ, और अब हम आईजीएसई के कुछ क्वेश्चन करेंगे, पास पेपर के क्वेश्चन करेंगे, सही इसी टॉपिक के, फंक्शन के टॉपिक है, आईजीएसई के पास पेपर क्वेश्चन करेंगे, और ये जितने क्वेश्चन है, जी जी बोले सर, आईजीएसई की और जीपीएससी के सेम क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि मैं तो जीपीएससी कर रहा हूँ, कोई डिफरेंस नहीं होता, बस ये डिफरेंस होता है, देखो एक दो टॉपिक उनके ज्यादा हैं, आप लोगों के कम है, वो डेरिवेटिव पढ़ते हैं, आप लोग डेरिवेटिव नहीं पढ़ते हैं, आप लोग मैट्रिसेस पढ़ते हैं, ये लोग मैट्रिसेस नहीं पढ़ते हैं, और छोटी छोटी वेरिएशन है, बस छोटी छोटी वेरिएशन है, सेम है, इवन क्वेश्चन भी सेम है, ये है कि इनको छोटे से काम करने के ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, आपको छोटे से काम करने के 1 मार्क्स मिलते हैं, बड़े काम करने के कम मार्क्स मिलते हैं, बस ये इवन डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा, यानी कि आप समझ लें 9 to 10 का इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये भी नहीं है कि आईजीएसई बहुत ही ज्यादा आसान है, इतना भी नहीं है, इक्वल है दोनों, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, बट आईजीएसई में कुछ ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, मगर एक डिफरेंस ये है कि उनके दोनों पेपर में कैलकुलेटर ला होता है, आपके एक पेपर में ला होता है, में नहीं होता, सही है, तो ये डिफरेंसेस है, सही है। ओके मैं 5 मिनट के बाद दोबारा आईडी सेंड कर रहा हूँ, 5 मिनट के बाद आप दोबारा ज्वाइन करिएगा, मैं आईजीएसई के क्वेश्चन पूछ करवाऊंगा पास पेपर के। ओके ओके अल्लाह हाफिज़।